chair na mai. Ah, kaise. अभी ले लेना एक तो मिस कर बात करते हैं छाता छाता में मोटा गुर्जा गया ना दोन चार चल मागे आओ जान मत मगे कौन है
छेलो छत्ती सर एक ग्रुप नील सर सर एक ग्रुप नील सर एक पिक्चर कर लेते हैं। मैं एक सेकंड माइक ले आता हूं। नहीं नहीं त्यांना भाई मागे ना जरा हमारे सबके आदरणीय और जो केवल एक अच्छे गीतकार भी नहीं थे बल्कि भारत की संस्कृति के जीते जागते प्रतीक थे। 100 साल बाद भी उनके शब्द हमारे आसपास अभी गूंजते हुए मिलते हैं। आज उनकी 100वीं जयंती है और इस मुकेश मेमोरियल पे मुकेश चौक पर यहाँ से थोड़ी देर दूरी के ऊपर माननीय मुकेश जी तब रहा करते थे, उनका परिवार भी रहा करता था। और आपने जीवन में कई सारे बड़े बड़े लोगों से मिले होंगे, फिल्म लोगों से मिले होंगे, पर जितना मैंने हम्बल मुकेश जी के परिवार को पाया है उतना मेरे जीवन में मैंने किसी को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। हमारे बीच में आदरणीय नितिन मुकेश जी जो न केवल उनके पुत्र हैं बल्कि एक आदर्श पुत्र के रूप में उनकी संगीत की विरासत को सारी दुनिया में लेकर जाते हैं। और आज भी जब उनके मुंह से 2 शब्द निकलते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे पर्दे से पीछे से कहीं मुकेश जी स्वयं आवाज़ दे रहे हैं क्या। ऐसे नितिन मुकेश जी आज यहाँ पर इस भावांजलि कार्यक्रम में उनकी आज्ञा से ही ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप 2 शब्द कहें और यदि आपको उचित लगे तो 2 लाइनें आपके मुँह से माननीय मुकेश जी के भी सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आभार मानूंगा आप सब भाई और बहनों का, आदरणीय मंगल प्रभात जी का कि आप आए और वर्षा के बावजूद इतना सम्मानित हो गया मेरे पिताजी की स्मृति को। आप सब का अधिकार मुकेश जी पर हम सबसे कहीं ज़्यादा है। आप सब ने मुकेश जी को जीवित रखा, आज 100 साल हैं और आपका जो भी प्यार मिलता रहा तो न जाने कितने युग तक। नमस्कार चाहता हूँ आपके आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे मंत्र से जो लाइनें कई लाइनें आपकी सबसे पहले तो रामायण जो अति प्रिय था मुझे वो सुनाना चाहता हूँ। देखिए आप रामायण सुना रहे हैं तो इन्होंने वर्षा कर आपको मेरे को ये संस्कार नहीं होगा सीखना चाहिए। मौसम दीन नदी नहित तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुबंस मनी हरहु विषम अवधूत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सोदशरथ सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है, जिस देश में गंगा रहती है, जिस देश में गंगा। मेरा बेटा मेरे संग आए, मुझे सबसे दोबारा निवेदन और प्रार्थना करूँगा कि मैं
मेरे बच्चों को आशीर्वाद दें कि वो अपने दादाजी की तरह युगो युगो तक काम करें। आप मेरे साथ जाओ, ये एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे चार तेरे और। एक दिन के माटी के मोल, जग में रह जाएंगे चार तेरे वो। दूजे के होठों को लेकर अपने ही कोई निशानी छोड़, फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। शुक्रगुजार हूँ उस पुत्र वाले का जो इस परिवार ने जन्म दिया, मेरे दादा का पुता बनाया। आई डोंट थिंक फर्स्ट कैरी ऑन दिस लेगेसी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू गिवन नॉट ओनली माई ग्रैंड फादर, यू गिवन माई फादर एंड मी फॉर द लास्ट ऑल दीज जनरेशन एंड दीज डेकेड्स। एंड वी कंटिन्यू टू वर्क हार्ड फॉर यू, फॉर योर एंटरटेनमेंट। एंड वी होप एंड प्रे that we continue to do that with the next generation now. Thank you so much. Ramesh. Done? Done? Bite. Sorry, bite. सबसे पहला थॉट था ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, ईश्वर की कृपा को महसूस करना। हमें इतने महान इंसान कहूँगा, कलाकार बाद में, अगर इतनी महान आत्मा के सुपुत्र बन के, पोते बन के, उनका परिवार बन के हमने जन्म लिया है, हमारे साथ हमारा नाम उनके साथ जुड़ा, इस बात की मैंने ऊपर वाले को देखकर धन्यवाद किया। हाँ, मगर पहला ख्याल आपने पूछा, पहला ख्याल ये आया कि अगर प्रभु ने कभी भी जन्म दिया तो इन्हीं का बेटा बन के दोबारा जन्म लूं, और हमारा परिवार को आप सबका प्यार यूं ही मिलता रहे, सदा सदा मिलता रहे, युगों युगों तक मिलता रहे। हाँ जी 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 मुकेश जी की, वैसे जैसे आपने कहा कि सारे ही गीत मेरे दिल के तो बहुत ही करीब हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि बचपन से ही मैंने उनके गीत इतने सुने, तो सभी गीत जो हैं उनसे बहुत ही प्यार करता हूँ, उनके बोल जो हैं बहुत मायने रखते हैं मेरी ज़िंदगी में। बट एक ऐसा गीत है जो शायद उनके कुछ पंक्तियाँ हमारे परिवार को और हमारे जो भाव हैं एज ए मुकेश फैमिली, जो हमारे इमोशंस हैं कि हम हमारी ऑडियंस के लिए किस किस्म का फील रखते हैं, वो शायद जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, ये जो है एक गीत उनका जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और मुझे लगता है कि सिर्फ मुकेश परिवार के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरी इंडस्ट्री में जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये एक लाइन उन सारे आर्टिस्ट को डिफाइन करता है। कम लाइन
कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू। मेरे पिताजी ने मुझे ये कम से कम एक सीख दी है कि जब पेड़ बड़ा होता है उसकी डालियों पे फल आने लगते हैं तो डालियां और झुक जाती हैं। उसी तरीके से जब इंसान लाइफ में बड़ा हो जाता है और नाम कमाता है, इज्जत कमाता है, उसे और हम्बल होना ही चाहिए और यही प्यार यही इज्जत और लोगों में बांटनी चाहिए, ताकि जो दे जो मिला है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में वापस भी तो देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उनका होने दो। थोड़ा दो शिफ्ट हो सर, थोड़ा इस तरह भाई। हाँ मागे मागे हाँ चला। अरे पीछे ना, अरे पीछे हो तो पीछे। अरे नहीं रहा काम आ रहा, पर आराम से। वेट वेट नहीं रहा मिल कर यहाँ पे सर। ए भाई नमन भाई सामने पामर मत लो। अरे हाथ 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 मेरा हाथ नील कर नील कर हाथ तो दिखती है नहीं। खाली खाली वेट वेट सर वेट वेट थैंक यू थैंक यू सर। यहाँ पे रुको यहाँ पे रुको सर ऐसे देख के। हाँ चलो लेते कर भाऊ। हेलो 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 देख हाथ आ रहे हैं भाई। डॉक्टर भाई तेरा हाथ आ रहा है। हाँ भाई काट दूँ। हाँ काट दूँ हाथ। अरे लेंस कौन सा लाया मैंने। थैंक यू थोड़ा अभी नजदीक आइए ना। हाँ चलेगा। यस सर इसका क्या पता करना मदद होते हैं। यस सर लेफ्ट लेफ्ट
दो मिनट पर दो मिनट में दो मिनट में मोबाइल नंबर ना पाओ भाभी की तरफ भाभी नीरज भाई लेट पापा क्या है भाई धक्का क्या कर रहे तुम लोग यार वो तो नहीं मिल रहा है भाई नमन भाई नहीं दिख रहे नमन भाई थोड़ा राइट में हो ना आप दिख रहे बस परफेक्ट हाय लुई क्या सेंटर हां हां तुम्हारा ही कमी था हां आ गया भाई आ गया थैंक यू यही चले ना भाई हाँ हाँ